हमारे आशीष जी के अजय शर्मा जी, हरीश वर्मा जी, बॉबी सानी जी, केशव सानी जी, अनिल शर्मा, जिनकी बदौलत आज हम एक बहुत ही सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। आप अपने घरों में बैठकर आराम से टीवी देखते हैं, आराम से सोते हैं, तब वो सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो बीकर जी और उनके ग्रुप के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। अब मैं बीकर जी से चाहूंगी कि कुछ सम्मान समारोह में आज हम जिन लोगों को थैंक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का थैंक दे रहे हैं वो है हमारे शहीद, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, मीडिया और साथ ही साथ हमारे जो एंटरटेनर्स यहाँ पर आएंगे उन्हें भी। तो सबसे पहले हम शहीदों से शुरू करेंगे, उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं हमारे साथ, बहुत ही खुशी की। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सावित्री देवी जी, वाइफ ऑफ ले रोशन लाल जी, डोगरा रेजिमेंट से थे ये, तो मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। ₹1999 में ये शहीद हुए थे और आज हम इनकी वाइफ को टोकन ऑफ थैंक्स और एप्रिसिएशन दे रहे हैं। श्रीमती भागो देवी, वाइफ ऑफ लेट मनोहर लाल जी, जेएनके राइफल से 30/11/2003 को शहीद हुए थे ये। इनकी वाइफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आए और मोमेंटो जरूर कलेक्ट करें। उनकी फैमिली से कोई और भी आया हो तो वो Thank you.
फर्ज को बखूबी निभाया है और बहुत से मुजरिमों को भी जेल के पीछे पहुंचाया है। एंटी टेररिज्म फ्रंट इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। कमला देवी जी गल्ला घाट से अपनी पुलिस में रहकर इन्होंने सभी लोगों का पूरा सम्मान किया है, बिना भेदभाव के अपनी ड्यूटी को निभाया है। पंजाब में उग्रवाद फैला हुआ था, अपनी एक छोटी सी दिल से लिखी हुई कविता से लोगों को उजागर किया, लोगों को सिखाया कि कैसे वो टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। आज एंटी टेररिज्म फ्रंट इन्हें सम्मानित करता है। सम्मान करने योग्य लोग थे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स। बहुत ही जब भारत को जब कहीं रिप्रेजेंट करना होता है तो स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा आगे होते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर अजय ठाकुर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, और कबड्डी प्रो कबड्डी बैंगलोर में रही है। तो ये थे हमारे स्पोर्ट्स पर्सनल्स जिनको आज हमने सम्मानित किया। अब चलते हैं मीडिया की ओर। मैं भूपेंद्र ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपना मोमेंटो जरूर ग्रहण करें। इन्होंने दो बच्चों को धोबी घाट रोड पे जिनके दिल में छेद था, अपने न्यूज़पेपर की मदद से, ये न्यूज़पेपर जो कि आपका दिव्य भारती है, दिव्य हिमाचल में ये सीनियर रिपोर्टर है, इन्होंने रिपोर्टिंग करके काफी पैसा इकट्ठा करके उन बच्चों की सहायता की। आज वो बहुत स्वस्थ है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहती हूँ इंडिया गॉट टैलेंट में दो बच्चे थे, रिया जग्गी और श्रेया जग्गी, जिन्होंने भारत का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं चाहती हूँ कि वो भी आए और पृथ्वी जी से अपना मोमेंटो जरूर लें। दिस इज अ टोकन ऑफ थैंक्स एंड एप्रिसिएशन। जिन्होंने आप